जिंदगी बीच रह रहा है तो उसके मन में भगवान के प्रति यही विनती होती है हर पल कि जीवांत में मौत के पश्चात कहीं उसको ऐसा एक जगह नसीब हो जहां सब कुछ सकारात्मक हो, एवरीथिंग इज पॉजिटिव, राइट, जहां अमन हो, चैन हो, आराम हो। तो जिंदगी में जब रोज हम कुछ ना कुछ सुनते हैं, देखते हैं, कुछ महसूस करते हैं, ऐसे ही मैं कुछ शब्दों को मैंने अपने विचारों को बांधा है एक कविता में। कविता का शीर्षक है जो मैं ना रहूं। कविता कुछ इस प्रकार है, जो मैं ना रहूं मुझे दफना देना धरती की गोद में, गहराई में, अशेष गहराई में, कि जहां जिंदगी में घुटन का आभास ना हो, जहां अपने के बीच परायपन का एहसास ना हो, जहां अमर श्रुपी सर्प विश्वर्षा न कर सके, जहां रत्न चिंतामणों की होड़ न हो, मानव मानव के लिए महज विषाद का महरा न हो, हिंसा का तांडव न होकर शांति का लासे हो, जहां कराहे सिस्कियां ये न गूंजे, अमन की बंसी का मधुर गान सुनाई पड़े, मासूमियत जहां अब भी देख बरकरार हो, जहां आंखों में न भय हो न ही दर्द के आंसू दिखे, जहां महत्वाकांक्षाएं व मिथ्याभिमान रिश्तों से ऊंची न हो, जहां अहंता अमीर भ्रम में लीन हो जाए, जहां सिर्फ परब्रह्म के ज्ञान की रोशनी हो, मन में नित्य ही संतोष का मिठास हो, जहां आत्मा परमात्मा के आक्रोश में समा जाए, जहां मैं ना रहूं, मुझे जीवन के हलचल से, संसार की उलझनों से, रिश्तों की जकड़न से दूर उस असीम गहराई में गाड़ देना कि जहां मैं शांत निद्रा पा सकूं। धन्यवाद।